नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकेजाद बड़ चंदेल। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के घर पर 15 अगस्त की रात अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक दिया। पुलिस ने ये जानकारी देते हुए बताया कि घटना रात करीब 10:15 बजे हुई, जब वाहन पर सवार होकर आए उपद्रवियों ने ऊपरी शिलांग के 3rd माइल में मुख्यमंत्री के निजी आवास के परिसर में पेट्रोल से भरी 2 बोतलें फेंक दी। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं अधिकारी ने कहा कि पहली बोतल परिसर के अगले हिस्से में जबकि दूसरी बोतल पिछले हिस्से में फेंकी गई। हालांकि चौकीदार ने आग तुरंत बुझा दी। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की राजधानी और आसपास के इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद राज्य सरकार ने शिलांग में कर्फ्यू लगा दिया है और कम से कम 4 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। बता दें, इस बीच पूर्व विद्रोही नेता थंगयू की मौत के बाद हिंसा बढ़ती जा रही है। राज्य में बिगड़े हालात के बीच 15 अगस्त की शाम राज्य के गृह मंत्री लखन रिम्बुई ने इस्तीफा दे दिया। सीएम संगमा को लिखे पत्र में गृह मंत्री रिम्बुई ने लिखा, मैं उस घटना पर दुख व्यक्त करता हूँ जिसमें पुलिस ने छापेमारी के बाद थंगयू को कानून के वैध सिद्धांतों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मार दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे अपील करता हूँ कि मुझसे गृह विभाग तत्काल प्रभाव से ले लिया जाए। इससे घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए सरकार द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने में आसानी होगी। साथ ही मैं न्यायिक जांच कराने की अपील करता हूं। रिम्बुई ने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि उनकी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इस्तीफे के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि पार्टी में चर्चा के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में शिलांग समेत कुछ जगहों पर IED बम लगाए गए हैं। शिलांग में हुई एक घटना के दौरान कुछ लोग घायल हो गए हैं। साथ ही कहा कि इसमें शामिल लोगों के बारे में पूछताछ के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। हमें कई एजेंसियों से विश्वसनीय जानकारी मिली है कि शिलांग में अगले कुछ दिनों में एक और प्रयास किया जा रहा है। पुलिस कुछ गिरफ्तारियों के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। किसी को नुकसान पहुँचाने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन परिस्थितियों ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।